जानते ही होंगे। ठीक, अब देखिए गाड़ी में इसी पे पत्थर मारिए, देखिए छन की आवाज आई बढ़िया अच्छी प्यारी सी ना, मारिए ठीक है, छनकता रहेगा। अगर ब्रेक तो आपका पकड़े रहेगा तो उसकी आवाज दब के आएगी, बैठ के आएगी। सिलेंडर है आपका, ठीक, ये सिलेंडर आपका, अगर ब्रेक हैंड ब्रेक लगा रहेगा, ये हैंड ब्रेक लगा देंगे तो वही सिलेंडर बाहर हो जाएगा, या तो ये सीधा फंडा ये देख लीजिए, ये चीज जब इसमें हैंड ब्रेक लगा रहेगा तो ये इधर ही टाइट रहेगा, इधर को भागा रहेगा, खींचे रहेगा बाहर की, और जब ये हैंड ब्रेक रिलीज रहेगा तो ये इधर ही आगे चिपका रहेगा, नहीं तो इसकी पोजीशन यहाँ पे जब हैंड ब्रेक लगा रहेगा ये, ठीक है, खाली यही पिस्टन ही रहेगा। तो पिस्टन आप देख लीजिए, कभी कभी होता है ना कि उसका नट बोल्ट कहीं ढीला हो, नहीं तो टूट गया, टूट गया है, ठीक है, तो उस साइड लगा होगा, एक साइड कभी कभी ये होता है माल वाल उतारते समय गिर उड़ गया, टूट जाता है, इधर टूटा लेकिन उस समय सही है, ठीक। ये पीला वाला एम्प्टी की तरफ ब्लैक लोड गया, टूट गया है तो देख लीजिए अपना हिसाब से कि एम्प्टी और लोडेड, नहीं तो चलाना ही चलाना है, अगर ये चलेगी बस थोड़ा स्पेस बड़ा कम देता है, कर देता है वो ब्रेक शूज का और व्हील का। ये है ब्रेक बाइंडिंग हो गई, जैसे मान लीजिए ब्रेक बाइंडिंग होगी तो इसको रिलीज कर लीजिए, जब रिलीज करें अगर सिलेंडर बाहर रहेगा, ठीक है, तो ये अंदर कर देगा, अच्छा बाहर है तो अंदर हो जाएगा, रुक जाएगा, इससे जब रिलीज करेंगे ऐसे तो वो अंदर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए ये है आइसोलेट करने के लिए, सिलेंडर बाहर हो गया, इसको बोलते हैं सिक्योरिटी वाल्व, तो देखिए हो गया ना, अब यहाँ ब्रेक नहीं लगेगा, अब ये जो है इसमें ब्रेक लग गया, अब इस पर पत्थर मारिए, जो आवाज अभी आपको सुना की आवाज नहीं मिली वो भी निकल गया बाहर, हाँ पिस्टन बाहर निकल गया, इसका मतलब क्या, ब्रेक लग गया, ब्रेक लग गया, बोलते हो कोई लड़का आया उठा दिया बीच में तो कैसे आपको पता चलेगा, नहीं ना पता चलेगा, आप फिर इसको जो है नीचे कर लीजिए, मारो जा रहा है ना, और वो भी अंदर चला जाएगा, अभी भी देखते थोड़ा सा उसमें जो है साफ है, अब उसमें पत्थर मार के देखिए, रहने दीजिए और इसको खींच देंगे, फिर वो अंदर चला जाएगा, अब ब्रेक नहीं लगेगा, लेकिन ये ऊपर रहेगा तो वो जो है फिर बाहर नहीं करेगा और ब्रेक नहीं लगेगा, ठीक। और जब ऐसे आइसोलेट करिए और देखिए कि इस तरह आइसोलेट कर दिए हैं, अब सिलेंडर अंदर हो गया है तो ब्रेक छूट जाएगा, और फिर इसको यही तार वार से बांध दीजिए कि ये नीचे ना होने पाए, अगर ये नीचे होगा तो फिर आपका सिलेंडर बाहर हो जाएगा, फिर ब्रेक लग जाएगा, अगर यहाँ से भी ना हो तो ये वाला जो इसका दिख रहा है, ये गोल वाली इसको अंदर से घुमाना पड़ता है, घुमा के फिर वहीं पर छोड़ दीजिए, घुमाएंगे तो फिर वो सिलेंडर अंदर, अच्छा इसको इतना ब्रेक करके तब उसको घुमाना है, उल्टा करके देख लीजिए, अगर इससे नहीं हो रहा है तब उसको घुमा, तो मतलब इसको यहीं पे छोड़ देंगे ना, हाँ उसको घुमाएंगे, ऐसे ही कंडीशन में रहने दीजिए, ठीक है, अब देखिए सिलेंडर अंदर नहीं हो रहा, जाके घुमा देंगे उसी को, उसको घुमाना पड़ेगा, अच्छा थोड़ा ताकत लगाएंगे तो घूमेगा, तो वो जब रिलीज के यहाँ से आइसोलेट कर देंगे तो वो जैसे ठंडाएगा तो वो छूट जाएगा, ठीक, नहीं छूटता है, नहीं छूटता है तब मार वार दीजिए, चाहे पत्थर से मार दिए, नहीं कोई बाड़ी हाथ आगे पीछे कराइएगा और छोड़ देगा तुरंत, अच्छा मतलब पैर से मारने की कोई झंझट नहीं, पैर खा जाओगे तुम, यही बात सही है ना, आएगा तो यहाँ से आँच निकलेगी, हल्का सा भी टच करेंगे तो बिल जलेगा, अच्छा जो एम पैड है कब कब जलता है, ई एम पैड यही सब कंडीशन में जलते हैं, यही है ई एम पैड, जब एम पैड जल जाए तो फिर जलता हुआ दिखेगा, अंदर वो रबड़ चिपका रहेगा वो नहीं गर्म रहेगा, तो उस पर भी TXR बोल देता नहीं गाड़ी चलने योग्य, आप इसके लिए गाड़ी खड़ी नहीं करेंगे, एम पैड के लिए नहीं करेंगे, अगला TXR चलाते, ठीक